दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में और आज हम बात करेंगे टोयोटा के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मारुति सुजुकी इज गियरिंग अप फॉर द लॉन्च ऑफ द ऑल न्यू बलेनो इन द इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट। एंड इसका मतलब ये है एंड जो इंडो जापानीज ब्रांड है वो ऑलरेडी अपनी प्रोडक्शन कमेंस कर चुका है उनकी जो प्रीमियम हैचबैक है एट इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात। अब जो टोयोटा ग्लांजा है वो बेसिकली एक रीबैच्ड वर्जन है ऑफ द आउटगोइंग मॉडल ऑफ द मारुति सुजुकी बलेनो। तो इसका मतलब ये है कि जो नई बलेनो आएगी वी कैन एक्सपेक्ट मारुति सुजुकी ग्लांजा टू बी बेस्ड ऑन द सेम। अब पहले मारुति सुजुकी अपनी ऑल न्यू अपडेटेड बलेनो इंडिया में लॉन्च करेगा, उसी के बाद वी कैन एक्सपेक्ट टोयोटा टू इंट्रोड्यूस द अपडेटेड ग्लांजा दैट विल बी बेस्ड ऑन द मारुति सुजुकी बलेनो। हाउएवर जैसे मारुति सुजुकी बलेनो में कई वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, टोयोटा ग्लांजा विल बी अवेलेबल इन जस्ट टू ट्रिम लेवल्स, यानी कि आपको उसमें सिर्फ दो वेरिएंट मिलेंगे टोयोटा ग्लांजा में। दो टोयोटा का जो सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क इंडिया में है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ब्रांड जो है उनके सेल्स नंबर काफी टाइम से थोड़े डिक्लाइन हो रहे हैं। अब हम लोग जो है वो भी पैंडेमिक चल रहा है, जो COVID-19 है उस पर हम लोग ऑब्वियसली सारी चीज़ अफेक्ट हो चुकी हैं, तो हम लोग उस पर भी दोष डाल सकते हैं, लेकिन इट इज क्लियर दैट द जापानीज ब्रांड स्टार्टिंग टू लूज ऑन इट्स सेल जो नई गाड़ियां हैं मार्केट में उन पे। अब बात करते हैं हम लोग दी ऑल न्यू ग्लांजा के बारे में, क्योंकि ये जो नई ग्लांजा है ये बेस्ड होगी 2022 मारुति सुजुकी बलेनो पे। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके जो फीचर्स मिलेंगे बलेनो को वही सारे सेम फीचर्स आपको ग्लांजा में भी मिलेंगे। तो आपको फीचर्स जो देखने को मिलेंगे दैट विल बी रीडिजाइंड फ्रंट एंड बैक एंड, अपडेटेड ग्रिल भी मिलेगा आपको इसमें, LED हेडलैम्प्स नए होंगे, फ्रंट बम्पर नया होगा, फॉग लाइट्स होंगे, आपको रियर बम्पर भी नया मिलेगा, ऊपर से आपको नए एल शेप टेल लाइट्स मिलेंगे, यानी ऐसे कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस गाड़ी में। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर के तरफ एंड अंदर के तरफ आपको जो अपडेटेड टोयोटा ग्लांजा है ऑब्वियसली उसको एक रीप्रोफाइल्ड डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें अब आपको एक 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें एप्पल कापले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों मौजूद हैं एंड और भी कई सारी चीजें जो ग्लांजा को मिलेंगी दैट कुड फीचर अ हेड्स अप डिस्प्ले, रिवाइज इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, कनेक्टेड कार टेक, एक फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील और कई सारे ऐसे फीचर्स। अब जो बलेनो है वो फीचर करता है स्ट्रेंथ एंड अंडरपिनिंग से, क्योंकि बेटर स्टील ग्रेड और बेटर सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, तो हम लोग टोयोटा ग्लांजा को भी ये सारे फीचर्स के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग को कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि टोयोटा ग्लांजा में कोई और पावर ट्रेन भी आएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसको जो पावर ट्रेन मिलेगी वो ऑलमोस्ट सेम मिलेगी जो बलेनो की तरह ही है। अभी के लिए हम लोग के पास सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है एंड एट प्रेजेंट द टोयोटा ग्लांजा जो है वो दो इंजन ऑप्शन के साथ आपको अवेलेबल होते हैं। द फर्स्ट इज अ 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल यूनिट जो कि प्रोड्यूस करता है 82 BHP ऑफ पावर एंड 113 Nm ऑफ पीक टॉर्क, और जो दूसरा इंजन है इज अ माइल्ड हाइब्रिड नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन विद ISG, तो वो थोड़ा और ज्यादा प्रोड्यूस करता है पावर जो कि 89 BHP है, बल्कि टॉर्क आउटपुट जो है दोनों इंजन का सेम है एट 113 Nm। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे ऑटोमोटिव कंटेंट देखने के लिए